हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आयुष पारिक और आज मेरे साथ है डॉक्टर अमित उपाध्याय सर। तो गुरु नीति का जो नर्वस और एंडोक्राइन का हम लोग जो एपिसोड्स डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर नर्वस और एंडोक्राइन का ये लास्ट एपिसोड है सर। इससे पहले हम लोग जो पांच इसके टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे, शुरू में सर हम लोगों ने एनसीईआरटी की मिक्स्ड अप्रोच से डिस्कस किया और उसके बाद हमने लास्ट के दो वीडियोस में जो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक से उनको अलग अलग करके गया। और आज सर हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी के आसपास जो है, कुछ बार कई बार क्या होता है सर कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डेप्थ में आ जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी केवल उनका हिंट देके रखती है और वो क्वेश्चंस थोड़े से बाहर निकल जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में कोई वर्ड दिया हुआ है तो डेफिनेटली उस वर्ड के सराउंडिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उस बेस को कवर करते ही हम लोग इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर शुरू करें अपन। जी सर बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, हम लोग पूरा स्टार्टिंग से कर चुके हैं जी। तो सर इस क्वेश्चन में चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो कुल मिला के हमें इनकरेक्ट बताना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अपन को इनकरेक्ट चूज करना है ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने दिया है मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इज फॉर्मड बाय न्यूरोग्लियल सेल। तो अपन को पता है कि जब अपन नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं तो अपन को पता है कि एक तो न्यूरॉन पढ़ता है और न्यूरॉन की जो सपोर्टिंग सेल्स होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, वो बेसिकली 50% से ज्यादा स्पेस वहां पर ऑक्यूपाई करती है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये बात जो कह रही है तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बात बिल्कुल एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो अपन इसको करेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरा जी सर, एस्ट्रोसाइट्स प्ले एन रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है सर, ये न्यूरोग्लियल सेल है। बिल्कुल, न्यूरोग्लियल सेल का एक टाइप है जो इस पर्टिकुलर, ये तीन टाइप की होती है, उनमें से एक टाइप एस्ट्रोसाइट का अपन कंसीडर कर रहे हैं। और ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर होते हैं सबसे कॉमन ट्यूमर होते हैं वो एस्ट्रोसाइटोमा, इसी से ही बनते हैं, है ना। और इसका जो बेसिक और सबसे की फंक्शन है वो ब्लड बैरियर है। इसका मतलब ये होगा कि ऐसी कोई भी चीज जो ब्लड के लिए हानिकारक हो या उसके लिए हार्मफुल हो या टॉक्सिक हो, वो चीजें उसको क्रॉस करके ब्रेन में नहीं जा पाएगी। ब्रेन में नहीं, ये नेचर ने अपन को गिफ्ट दिया है प्रोटेक्टिव। जैसे अपन प्लेसेंटल बैरियर होता है जी सर, है ना, ये वाला एक सर हमारा सर्टोली बैरियर जो सेल्स है वो भी बनाती है, टेस्टिस ब्लड बैरियर वो भी हो जाता है। ये बैरियर बेसिकली प्रोटेक्टिव फिनोमिना के अंदर आते हैं क्योंकि ब्लड में सर डब्ल्यूबीसी है, डिफरेंट टाइप के सेल्स है, तो ब्रेन टिश्यू कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचा। जो अपन ड्रग्स भी लेते हैं, ड्रग्स भी ब्लड में डिसॉल्व होकर जाते हैं ईच एंड एवरी सेल में, तो ब्रेन में वो ड्रग्स नहीं जा पाती जो उसके लिए हार्मफुल हो, हार्मफुल हो, तो नेचर ने प्रोटेक्टिव फिनोमिना दिया। बिल्कुल सही बात है ये भी डॉक्टर साहब। जैसे हमारे जो लंग्स है उनमें डस्ट सेल्स है, लीवर में कूफर सेल्स है, ऐसे तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ये तीन सर सही हो गए, फोर्थ पढ़ते हैं, एस्ट्रोसाइट्स बिल्कुल सही, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड न्यूरॉन जी आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। सर यहाँ पर इसने गेम घुमा दिया, न्यूरॉन यहाँ पर अगर माइक्रोग्लिया सेल दे देता तो अपन इसको राइट कंसीडर कर देते, लेकिन न्यूरॉन तो आपको पता है कंडक्टिव टिश्यू, बिल्कुल नर्वस टिश्यू है, तो डेफिनेटली ये डॉक्टर साहब आपके पूरा गलत है, तो अपन इसको इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे। बाकी तीनों अपने एकदम परफेक्टली बैलेंस है। ऑप्शंस देख लेते सर जी। सर फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑनली, क्यों नहीं, बस क्योंकि हमारा थर्ड भी सही है सर। सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑनली, गलत हो गया, अभी फर्स्ट सही है। फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इनकरेक्ट है नहीं। ओनली फोर्थ इज इनकरेक्ट, बिल्कुल बाकी तीनों स्टेटमेंट परफेक्ट परफेक्ट है। तो सर हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर नेक्स्ट। जी सर नेक्स्ट, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस पे फोकस करें आप, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है आपके, इट कंडक्ट्स सेंसरी इंपल्स टू द सीएनएस टू द ग्लैंड्स। तो आप देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको फोकस कर रहे हैं और ये कह रहा है कि सीएनएस टू ग्लैंड। अब सीएनएस से ग्लैंड तो स्केलेटल मसल में जाता है, वॉलेंट्री मसल में जाता है, लेकिन ग्लैंड के अंदर कौन सी मसल होती है, इनवॉलेंट्री होती है, मायोएपिथेलियम टिश्यू होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सीएनएस की जगह क्या आना चाहिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आना चाहिए। अगर यहाँ पे एएनएस होता तो डेफिनेटली ग्लैंड को करता क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों आ जाएगा डॉक्टर साहब। तो ये डेफिनेटली पहला स्टेटमेंट ही आपके गलत हो गया। अच्छा आगे के, तो सर सीएनएस लिख दिया इसलिए हमारा गलत हो गया, क्योंकि एएनएस लिखता तो ये सही हो जाता है ना, बिल्कुल परफेक्टली। तो ये भी हम फॉल्स है सर, फिर भी हम बाकी के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बिल्कुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि बाकी स्टेटमेंट को आप छोड़े नहीं, क्योंकि अगर बाकी स्टेटमेंट में से क्वेश्चन घूम के आ गया जी, है ना, तो उसका भी क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नो डाउट ऑप्शन से क्वेश्चन से ऑप्शन वेरी करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन जो होता है वो करीबन चार क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। yes, क्या पता इसके कुछ सेकंड थर्ड ऑप्शन में अगला कोई क्वेश्चन बना हो। बिल्कुल, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये तो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो ही पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सही,
इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ इनवॉलेंटरी मोटर ऑर्गन्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनवॉलेंटरी मोटर ऑर्गन को कंट्रोल करता है। अगर देखो इनवॉलेंटरी का मोटर ऑर्गन के ऊपर आपको फोकस नहीं करना, मेन आपका फोकस रहेगा इनवॉलेंटरी पे, ये जो हमारी विल से कंट्रोल ना हो। जी, इट इन्वॉल्व्स द ब्रांचेस ऑफ बोथ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों की ब्रांचेज आती है, क्रेनियल और स्पाइनल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ब्रांचेज होती है, लेकिन वो कंट्रोल उसको CNS और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सर हमारा पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और ये बाकी के तीनों की तीनों ट्रू है, और हमसे पूछा भी क्या है सर, इनकरेक्ट है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया जी सर, फर्स्ट हो गया सर। नेक्स्ट इज सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन लैक्स द निसल ग्रैन्यूल्स। यस, तो सर अगर न्यूरॉन को हम लोग देखें इस तरीके से, तो ये सिंपल एक फ्लो डायग्राम सा मैंने जस्ट बनाया है। ये इस जगह पर डेंड्राइट्स हो गई, ये इसका सर साइटोन वाला पार्ट हो गया, और ये एक्सॉन हो गया, और ये जो है डेंड्राइट्स हो गए। जी, तो निसल ग्रेन्यूल्स की बात कर रहा है, तो सर जैसा कि हमें पता है कि निसल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन में एब्सेंट होती है, पर डेंड्राइट और साइटोन के अंदर में प्रेजेंट होती है। और ये होती क्या है सर, अगर देखा जाए तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस आपके इसके अंदर राइबोसोम को आप कंसीडर कर लो। हाँ। ये दोनों मिला के प्लस इसके अंदर और जोड़ना चाहो तो आप mRNA जोड़ सकते हो। जी, है ना, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन, तभी हम इसे राइबोनिक्लियोप्रोटीन भी, एग्जैक्टली सर, राइबोनिक्लियोप्रोटीन। तो सर पहला ऑप्शन इसने दे रखा है एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, तो गलत हो गया, क्योंकि एक्सॉन में एब्सेंट है, एब्सेंट है जी, ओनली डेंड्रॉन्स होगा नहीं, एक्सॉन एंड एक्सॉन ओनली, और एक्सॉन एंड साइटोन अपन को पूछ रहा है एब्सेंट किसमें है, एब्सेंट किसमें पूछना है ना सर, एब्सेंट अपन को पता है इसमें प्रेजेंट है। हां, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, यही रहा था एक्सॉन, तो थर्ड हो, क्योंकि यहां पर लैग वर्ड आ गया सर, है ना, इसलिए सही आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि एक्सॉन में एब्सेंट के जो एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, The correct sequence of meninges from inner to outer sac. Meninges की बात कर रहा है सर। पहले meninges पूछ रहा हूँ। जी। जब वो meninges अपन को पता है सर। जी। कि अपने दोनों में होती है, ब्रेन में भी होती है as well as spinal cord में भी होती है। तो अपन दोनों का ही अगर consider करें तो दोनों में सही है, कि ज्यादातर अपन ब्रेन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग meninges वर्ड ब्रेन की कवरिंग के लिए दिया है। और इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन मेनिंजेस का बिल्कुल है। तो बाहर की तरफ अगर मैं सर यहाँ से स्लाइड लूँ, तो सबसे बाहर की तरफ आ गई स्किन, स्किन के नीचे हमारी क्रेनियल बोन, और देन फिर मेनिंजेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है सर ने, कि सबसे बाहर अपन ये कर लेते हैं स्कल दे दी, सबसे पहले देखो आप स्कल आ गया, स्कल की बोन आ गई, क्रेनियल बोन, इसके ऊपर ये हेयर वगैरह, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स वगैरह सब कुछ बाहर आ गया। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि ये ब्रेन है, थोड़ा सा ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, इस ब्रेन के बाहर कवरिंग है, यहाँ पर सबसे बाहर डोरामेटर, फिर एरेक्नोइड, फिर पायामेटर, ये ब्रेन प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है। इन तीनों को मिक्स करके अपन बोल रहे हैं मेनिंजेस, यानी डी ए पी, बिल्कुल। तो अब सर इसने जो हमसे क्रम पूछा है या जो सीक्वेंस पूछा है, ये पूछा है इनर टू आउटर। बिल्कुल, ये हमेशा आप ध्यान रखिए सर, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा मोस्टली, मैं बता दूं, मैं भी जब क्वेश्चन करके आता हूं तो हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये पता नहीं अंदर से बाहर पूछ रहा है बाहर से अंदर। तो पहले आप सीक्वेंस डिसाइड कर ले कि इनर टू आउटर पूछा है, तो सबसे पहले आपको इनर वाले बतानी है। तो इनर वाले जैसा सर ने सीक्वेंस लिखा है पी, तो पायामीटर कहां पर देख लीजिए जी सर, पायामीटर, फिर आप ले लीजिए एरेक्नोइड, ले लीजिए डायामीटर, ड्यूरामीटर। ओके सर, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा सीक्वेंस मिल जाता है, बिल्कुल, क्योंकि बाकी की में सब में स्टार्टिंग एरेक्नोइड, ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर, सबसे अंदर की तरफ तो क्या होती है पायामीटर होती है, बिल्कुल, तो बाहर ड्यूरामीटर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सर इनमें जब इन्फ्लेमेशन होता है, ऐसे बहुत ही कॉमन डिजीज के नाम से जानते हैं हम लोग, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, बिल्कुल सर, इसमें काफी दर्द होता है सर, बिल्कुल, बहुत। अगर अपन जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की बात करें, जो सबसे डेंजरस अपन मलेरिया कहते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ मलेरिया होता है, जो मोस्ट डेंजरस कह सकते हो, कि उसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा होती है, मोर्टेलिटी रेट, उसके अंदर भी जो फाल्सिफेरम प्लाज्मोडियम है वो मेनिनजाइटिस कॉज करता है, और ये इतना सीवियर होता है कि नो डाउट मेनिनजेस में अगर स्वेलिंग आ गई तो पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड सब में स्वेलिंग आ जाएगी, यानी इन्वॉल्व, ये मान लीजिए आप पूरा सीएनएस इन्वॉल्व हो जाएगा, और उसको ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ। तो बहुत हाईली कंटाजियस डिजीज कह सकते हैं। और सर इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारा CSF का जो प्रेशर है वो हमें राइज किया, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा, ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, हमें पता है ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, वो टोटल फोर होते हैं, इस तरह से अपन बनाए, देखो रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं इस तरह से, ये आपके, जी सर, ये आ गए आपने लेटरल वेंट्रिकल, ये आ गए आपको पता ही है थर्ड वेंट्रिकल, ये आ गया फोर्थ, और ये आ गया स्पाइनल कैनाल, इस पूरे में ट्रेवल कर रहा है आपके CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना।
अब अगर ब्रेन के यहाँ पर स्वेलिंग आई है तो वेंट्रिकल की लाइनिंग में भी तो टिश्यू होता है जी सर, उसमें भी स्वेलिंग आएगी, यहाँ पर भी एपेंडाइमल एपिथेलियल होता है, बिल्कुल सीलिएटेड होता है, यहाँ पर सर्कुलेट करता है सीएसएफ, यहाँ पर ये जैसे स्वेलिंग आएगी ना ये नैरो हो जाएगी स्पेस, ये नैरो हो जाएगा स्पेस तो नो डाउट इसके अंदर पूरे में स्वेलिंग आ जाएगी, प्रेशर जनरेट, प्रेशर जनरेट क्योंकि सीएसएफ का प्रेशर बढ़ जाएगा जी, ठीक है जी सर, जिसे अपन कह सकते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल्स, जिससे वेंट्रिकल की साइज बड़ी हो जाएगी, है ना, और नो डाउट अगर प्रेशर ज्यादा होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर इसको अपन बोलते हैं, अगर ये ज्यादा हो गया तो ब्रेन की अदर टिश्यू जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, जो सराउंडिंग ब्रेन के पार्ट होते हैं उन सब पे प्रेशर बढ़ेगा, तो उनका फंक्शन अबनॉर्मल होगा जी सर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, आपने भी जैसे बात जी जी बिल्कुल वही आ गया कि वही क्वेश्चन है, देखो अभी अपन ने कहा था एक क्वेश्चन को आप डेप्थ में पढ़ो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही जाता है, जैसा अभी टूर्नामेंट ऑफ मोनेरो पूछ रहा है सर, ये सेम वही डायग्राम देखो कट कॉपी पेस्ट हो गया जी को, अभी अपन ने बात की थी कि वेंट्रिकल कितने होते हैं ब्रेन में, 4 होते हैं, ये फर्स्ट वेंट्रिकल ये सेकंड, इन दोनों को मिक्स करके अपन बोलते हैं थर्ड लेटरल वेंट्रिकल, है ना, और ये आ गया आपके थर्ड वेंट्रिकल, ये आ गया आपके फोर्थ वेंट्रिकल, ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर एक होल होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, उसको अपन कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो, तो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल जी, ओके okay, और ये हो गया आपके कौन सा सर थर्ड वेंट्रिकल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है कौन, ये वाला, तो अब आंसर अपन निकाल सकते हैं, तो सर पहला ही बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, ये आ गया आपस में, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगी, ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है शिव जी, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड फोर्थ में अपन को पता है, याद कीजिए मिड ब्रेन में अपन मतलब सेरिब्रल ऑफ एक्विडक्ट, डक्ट ऑफ आइटर, है ना, वो कनेक्ट करती है थर्ड टू फोर्थ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सर। अब सर आपने जैसा कहा वो आ गया ऑप्शन जी, लेटरल वेंट्रिकल को और इधर थर्ड वेंट्रिकल बीच में ये वाला आ गया, वो ये फोरामेन ऑफ मोनेरो, तो ये हमारा हो गया फोर्थ एंड न्यूरोसील में, तो न्यूरोसील तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ गया, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, यहां से तो फिर मैग्नम, मैग्नम ये फोरामेन ऑफ मैग्नम जो भी मैंने बोला था मुझसे, फोरामेन ऑफ मैग्नम यहां पर है या फोरामेन ऑफ मोनेरो है या सेरिब्रल एक्विडक्ट, बस इतनी सी बातें और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं जी जी, match the following human spinal nerves in column first with the numbers of pairs in column second and choose the correct option ji, to sir hame yahan par jo nerves hain unko choose karana hai, hamare yahan par do columns hain aur inke accordingly hum log answer select karenge, bilkul sir, ab dekho isme diya hua hai meru tantrika ji ko, usko apan kehte hain spinal nerves, aur spinal nerve ye brain bana raha hu main yahan pe, bahut simple sa brain banane ke baad mein maine spinal cord bana di, स्पाइनल कॉर्ड, इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल के आ रही है इसे अपन कहते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, क्लियर, अभी स्पाइनल नर्व जैसे अपनी जो बॉडी वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, सर्वाइकल, सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक, इस तरह से निकलती है, तो भी बोन्स, बोन के अंदर से जो अपन को पता होल होता है वहां से निकल कर आती है नर्व जो हमारी बॉडी को पूरी को सप्लाई करती है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो सर्वाइकल वर्टिब्री तो होती है 7 जी, वर्टिब्री होती है 7 बट उससे निकलने वाली नर्व होती है 8 पेयर्स, 8 पेयर्स, तो 8 इस तरफ है और 8 इस तरफ है जो हमारे नेक रीजन से निकलती है, हां जी सर, जो सर्वाइकल का आपने लिख दिया 4th वाला 8 पेयर्स, बिल्कुल सही बात है, अब आती है सर्वाइकल के बाद में अपने आती है थोरेक्स, थोरेक्स में तो बिल्कुल वर्टिब्री भी थोरेक्स 12 होती है और नर्व जो लेफ्ट एंड राइट में सप्लाई करेगी तो वो हो जाएगी 12 पेयर्स, यानी आप कह रहे हैं सर 12 इधर 12 इधर, एग्जैक्ट, तो पेयर हमने वर्ड का, जी जी, तो सर फिर मैं इधर लिख देता हूं 12 जैसे हमने किया था, थर्ड थर्ड ले लीजिए आप जी, थर्ड, फिर आती है लंबर, तो लंबर सेम वही वर्टिब्री भी 5 है और निकलने वाली नर्व भी वही, जैसा आपने कांसेप्ट बताया 5 इधर है 5 इधर है, इसलिए पेयर हमने, जी जी बिल्कुल, बॉडी के बोथ साइड सप्लाई लेगी, तो फर्स्ट आ गया सर, सी पे फर्स्ट आ गया, तो बट नेचुरल है ऑक्सीजन से वन ही आएगा, वन ही आएगा सर, लेकिन आप ऑक्सीजन मल्टीप्ली 4 होती है बट फ्यूज होकर वन हो जाती है, हाँ, तो टेल वन, ओके सर, तो आप देख लीजिए, तो सर हम मैचिंग कर लेते हैं जी, कि अब देखिए सर हम लोग हमारा जो आंसर आएगा सर्वाइकल नर्व्स में आपने बताया था सर 8 तो 4 सबसे पहले आना चाहिए जी ए के अंदर, और सर अगर हम देखें ए के ऑप्शन में हमें बिल्कुल बाहर 4 मिल रहा है, A4 यानी सर्वाइकल नर्व्स हो गई, बिल्कुल आगे देखना ही नहीं है, B थोरेसिक और यानी कि थर्ड हो गया 12 पेयर, और C लंबार 5 पेयर, और D हमारा 1 हो गया, हां बिल्कुल, अब आप देखिए SSR के PMT एग्जाम में इस साल जो लास्ट अपने हुआ था 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें से ऐसे ऑप्शन थे जिनमें एक ही करेक्ट था, एक ही करेक्ट, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, अगर आपको इनमें से एक भी ऑप्शन आता था आपका काम बन गया, और कई बार क्या होता था ज्यादा से ज्यादा 2 में हमारा मैच होता था, फिर वो दो वाले काम के तो ये वो टाइम आ गया जहाँ पे बच्चे चाहे तो अपना समय बचा सकते हैं, जो फिजिक्स में उनको लगाना है, चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं इसमें, दूसरी सबसे बड़ी सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर एक भी ऑप्शन अगर आपको आता है तो आप IQ यूज करके इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं,
सबसे इजी क्वेश्चन है वो कॉलम मैचिंग पे। कॉलम मैचिंग जी सर, बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा। नेक्स्ट पे चलते हैं सर जी। ह्यूमन ईयर इज मोर सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशन इन द रेंज ऑफ, तो सर ये हमारा ह्यूमन ईयर की सेंसिटिव साउंड वाइब्रेशन की रेंज पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल जाता है साइकल्स पर सेकंड दे रखा है जिसे हम हर्ट्ज। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा आप यूनिट का ध्यान रखें, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर कहीं के बुक में ऐसा लिख दिया जाता है 20 किलो हर्ट्ज, तो आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता ही है, तो कहीं कहीं इसको साइकिल पर सेकंड में शो कर देता है, तो अपन को पता है साइकिल पर सेकंड इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को शो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे ईयर हाईली सेंसिटिव होते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या 20 से लेकर 20 साइकिल पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड जी जी बिल्कुल ना सर, तो इसलिए हमारा भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जा रहा है इसका फर्स्ट, बिल्कुल एक तरीके से जी। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, पार्किंसन डिजीज जी, बहुत फेमस डिजीज है, इसलिए सर अल्टीमेट फेमस डिजीज है, क्योंकि जो अपने बॉक्सर थे अली, अच्छा मोहम्मद अली, मोहम्मद अली एग्जैक्टली सर, ओके, उनको जब वो बॉक्सिंग कर रहे थे तो उनके यहाँ पर पंच गया था बेसल गैंग्लिया पे, अच्छा उस बेसल गैंग्लिया पे पंच पड़ने की वजह से उनका जो बेसिकली जो बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, सबटेंटिया निग्रा, अच्छा सबटेंटिया निग्रा जब डिस्ट्रॉय हो गया तो वहां पर डोपामिन का सिंथेसिस होता है, तो डोपामिन का सिंथेसिस होना बंद हो गया, और डोपामिन अपन सभी जानते हैं, बहुत कॉमनली जानते हैं कि डोपामिन जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जैसे मैं चल रहा हूं अभी आपके सामने चल रहा हूं, चलता चलता मैं रुक जाता हूं, इसका मतलब मेरे ब्रेन से इनहिबिशन आया स्केलेटल मसल को, मैं रुक जाऊं, अब आपको आगे नहीं जाना, आप गिर जाओगे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, उस बंदे का इनहिबिशन आता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है शॉर्ट स्टे में, रुक ही नहीं पाता, रुक ही नहीं पाता, ऐसा लगता है वो दीवार से टकराएगा, मतलब वो चाहकर की भी अपनी बॉडी को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता, जी जी एक्शंस को, बिल्कुल, तो इसमें डोपामिन डेफिशिएंसी होती है 100%, और इसको ठीक करने के लिए अपन ड्रग भी देते हैं, उसका नाम होता है एल-डोपा, लिवोडोपा, क्योंकि लिवोडोपा ये जो ब्लड ब्रेरियन को क्रॉस कर देती है, क्रॉस कर डायरेक्ट डोपामिन क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए एल फॉर्म में अपन देते हैं उसको। ओके सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग यहां से फैक्ट बताया, तो अगर बच्चों ने इसे ध्यान से सुना होगा तो शायद ये क्वेश्चन कभी भी उनके एग्जाम में आ जाएगा, तो गलत नहीं करना, ये नो डाउट इनके नीट में आगे एमबीबीएस के बाद पीजी में सब जगह क्वेश्चन पैटर्न्ड है, चाहे आप कोई भी आरपीएससी का एग्जाम दो, मैं देके आया अभी तो मेरे भी यही क्वेश्चन था। तो पार्किंसन डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रिमर्स एंड द प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ द लिम is caused by the degeneration of brain neurons, जैसा आपने बताया, that are involved in the movement of control and make use of neurotransmitter. Definitely, doctor साहब, इसमें देखो कुछ अच्छी बातें थी, tremors, tremor का मतलब होता है कंपकंपी, जैसे मान लो कि मुझे ये पेन है मेरे हाथ में और ये मुझे लेना है, अगर पार्किंसन का पेशेंट इसको लेगा ना तो इंटेंशनल ट्रेमर करेंगे इसको पकड़ने, जैसे ओल्ड एज में हाथ कंपकंपाते हैं, ट्रेमर ऐसे वाइब्रेशन आएंगे, पकड़ नहीं पाएगा, वो ट्रेमर है। प्रोग्रेसिव रिजिडिटी यानी कि जैसे मेरा हाथ है ये वाला मसल जो अपन कंपार्टमेंट है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, इसका अपोजिट वाला एक्सटेंसर होता है, जिसको बहुत कॉमनली अपन बोलते हैं ये बाइसेप्स है ये ट्राइसेप्स है, तो इसमें दोनों मसल में टफनेस आ जाएगी, स्पास्टिसिटी आ जाएगी, उससे अपन बोलते हैं रिजिडिटी, रिजिडिटी बिल्कुल, एक ग्रुप नहीं दोनों ग्रुप में, बिल्कुल, तो वो भी आ जाएगी प्रोग्रेसिव, मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आप देखो और ब्रेन का डीजनरेशन होता है, उसका माइलिन शीथ रिमूव होने लग जाएगी, जी बिल्कुल, और मूवमेंट कंट्रोल अभी आपको मैंने बताया था, जैसे चलते हुए रोक नहीं पाता वो जी, और फिर आ जाता कौन सा ट्रांसमीटर, तो आपने सर बताया जैसे डोपामिन इसका, बिल्कुल, ज्यादातर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी होता है कि सर गाबा भी तो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी इनहिबिटरी नेचर का है और ब्रेन में तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस बेसल गैंग्लिया में डोपामिन ही बनता है, अच्छा इसी वजह से ये सर डिजीज, जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ आंसर हो गया है ना बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, The cavity of brain are lined by, ये अभी हमने बात करी है, तीसरा क्वेश्चन है, एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वो हमारी ब्रेन की इंटरनल कैविटी को लाइन करते हैं, और आपने जैसा कहा था कि सीलिएटेड होते हैं तो मूवमेंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से रिलेटेड होते हैं, जैसा सर अभी डायग्राम बना रहे हैं तीसरी बार आप लोगों का, तो ये वेंट्रिकल सिस्टम तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, परफेक्ट हो जाना चाहिए जी, तो इससे बात कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये कंफर्म्ड है, या तो ये इसकी इनर लाइनिंग पे सेल पूछेगा जी, या ये आपने जो बताया डॉक्टर साहब अभी फोरामेंस के बारे में पूछ सकता है, या ये वाला या वेंट्रिकल या सेरिब्रल एक्रूडल, बस ये चार ही क्वेश्चन पैटर्न है जो बनते हैं एग्जाम में, बिल्कुल, तो सर एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो इसको बेसिकली लाइंड करते हैं, बिल्कुल, बहुत स्पेसिफिक नेम दिया गया है इसको, ये ओनली और ओनली ब्रेन वेंट्रिकल के लिए यूज किया जाता है और किसी के लिए यूज नहीं, जहां सीएसएफ ट्रेवल करेगा वहां का नाम एपेंडाइमल है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जी जी बिल्कुल, और इनमें सर मूवमेंट होता है ताकि ये पूरा सीएसएफ को, बिल्कुल, ये इस पे सीलिया होता है जो इसको रोटेट कराते रहते हैं, जैसे अपन एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करते हैं जी, तो कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, तो अपन एनसीईआरटी की बात करें तो ब्रोंकियोल और फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल में अपन को पता है म्यूकस बाहर निकालता है, म्यूकस बाहर निकालता है, और फेलोपियन ट्यूब में बिल्कुल ओवम को धक्का देता है या जायगोट को धक्का देता है, जी जी बिल्कुल, तो सर इसका आंसर सही आंसर हो जाता है हमारा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं,
ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड, ये एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, कि अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रेन स्टेम है क्या, होता है क्या, ब्रेन स्टेम का मतलब क्या है, ब्रेन तो अपन जानते हैं, व्हाट इज द स्टेम, तो देखो अपन अगर ब्रेन का डायग्राम बनाए ना तो अपन सिंपल बना देते हैं इस तरह से, ये लो साहब ये ब्रेन है, ये कंप्लीट ब्रेन है, रियल में इसका जो डायग्राम थोड़ा डेप्थ में बनाए अपन डॉक्टर साहब, तो आप जैसा कि आप सब कुछ जानते हैं इस चीज के बारे में कि ब्रेन का अगर मैं बनाऊं डायग्राम तो बिल्कुल आप इस तरह से बना लीजिए, बिल्कुल वेंट्रिकल वाला सिस्टम बना लीजिए, ये दो सेरिब्रम बना लीजिए आप सबसे पहले, राइट सेरिब्रम इस पर, लेफ्ट सेरिब्रम, बिल्कुल, उसके बाद में आप नीचे आप बना लीजिए, आप कौन सा आपका ये हो गया आपके मिड ब्रेन, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और इसके नीचे आप बना लीजिए बहुत सिंपल सा हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब आप देखिए फोर ब्रेन तो इस स्टेम में आएगा नहीं क्योंकि फ्रेन में 50% इधर चला गया, 50% इधर चला, यानी ये तो एक स्टेम या तने का निर्माण नहीं कर सकता, इसके ब्रांचेस है, बिल्कुल, ठीक है। अब आप यहां से लाइन खींचो, सबसे पहले कौन आ जाता है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद में अगर हाइंड ब्रेन की बात करें तो अपन को पता है जस्ट इसके नीचे आए अपन यहाँ पे हाइंड ब्रेन पे फोकस करें तो सबसे पहले आता है पोन्स, फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और साइड में रह गया सेरिबेलम, इनको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब आप देख लो कौन कौन से आ गए, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसमें एनसीईआरटी दो तरह से मेंशन कर देती है जी, एनसीईआरटी इसमें कैसे करती है कि अगर अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ले परफेक्टली बैलेंस तो अपने आंसर जाता है मिड ब्रेन जी सर, उसके बाद में सर पॉन्स और फिर आ जाता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा, बिल्कुल जी। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको क्या लिख रखा है, उन्होंने लिख रखा है मिड ब्रेन प्लस इन दोनों को मिक्स करके लिख दिया एनसीईआरटी ने हाइंड ब्रेन, तो ये भी बात सही है, ध्यान रखिएगा आप, बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि अगर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कंबाइंड करें तो भी ब्रेन स्टेम है, अगर इंडिविजुअल पार्ट दे तो भी ब्रेन तो भी ब्रेन, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है कि पूछ क्या है। जैसे सर हमारी फूल गोभी होती है आपने जैसे कहा, तो ये ऊपर उसके एक तरीके का फूल होता है, आपने भी डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनाया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, स्टेम वाला पार्ट तो यही है, बस बस स्टेम ही है, इसमें मिड ब्रेन आ गया और हाइंड ब्रेन आ गया, और अगर इंडिविजुअल पूछे तो ये बता दो पॉन्स और मेडुला क्योंकि सेरिबेलम साइड में रह गया, बिल्कुल सर जी सर, तो फर्स्ट ऑप्शन सर मेडुला ऑब्लोंगेटा दे रखा है, इसलिए पूछा नहीं होता है ना, नॉन पे कंसीडर करना है, तो मेडुला तो होता है तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं हमारा जी, मिड ब्रेन आपने बताया जैसे होगा सर, फोर ब्रेन तो क्लियर कट पार्ट, ये आपने गोभी वाला एग्जांपल दिया, तो फोर ब्रेन तो इसका सर होगा नहीं, तो आंसर भी हमारा क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा, और कौन से यहां पे ऑप्शन में देंगे, कौन सही है अपने ये हां ब्रेन स्टेम काफी कॉमन से टर्म, कॉमन बिल्कुल, चलें सर नेक्स्ट पे, तो बच्चों आंसर थर्ड हो गया फोर ब्रेन, दी जिलेटिनियस इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग दी सेंसरी हेयर सेल ऑफ ह्यूमन ईयर इज नोन एज, रिसेप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है सर ये, तो बेसिकली ये क्या पूछ रहा है कि जो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कवरिंग करती है सेंसरी हेयर की हमारे ह्यूमन ईयर की, तो सर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, वहां पर सेंसिटिव हेयर सेल्स होते हैं, तो एक मेम्ब्रेन जो इसको इस तरीके से कवर करके रखने का टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कवर करने का काम करती है। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा सर जो बता रहे वो फोकस करे कि यहाँ पर देखो बेसिलरी मेम्ब्रेन भी होती है, बेसिलरी भी है ना, और रिजनस मेम्ब्रेन भी होती है और टेक्टोरियल भी होती है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि ये भी मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है, कौन सा आंसर दूं, तो आपको फोकस किस पे करना है, सबसे बड़ी बात देखो सेंसरी हेयर सेल आ गया और हेयर सेल में से ऑर्गन ऑफ पोर्टाइम होती है, और उसको ऊपर जो होती है लेयर जो अभी सर बता रहे थे ये वाली, ये आपके कौन से हो गई टेरेक्टोरियल, इसका बेस्ट करेक्टर होता है कि ये आपके इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, सबसे बड़ी बात है इलास्टिक होने की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट कर पाती है हेयर सेल में, हेयर सेल और हेयर सेल आगे उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन में, बिल्कुल एक्शन पोटेंशियल बना के 8th क्रेनियल नर्व के थ्रू अपने ब्रेन के टेंपोरल लोब में उसका मैसेज सेंड कर देती है, और हमें सुनाई देती है जी जी बिल्कुल, तो सर इसका सही आंसर इसका सेकंड जी सेकंड ऑप्शन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो जाएगा, तो आप जैसा सर ने बताया कि आपको याद रखना ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है ना, चलिए बिल्कुल, आर्बर विटाए बिल्कुल, ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन सेरेब्रम, ट्री ऑफ लाइफ इन सेरेबेलम एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रांच डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन, तो ये भी सर हमारा हाइंड ब्रेन से रिलेटेड सेरेबेलम से रिलेटेड आ गया, क्योंकि इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सर ये आगे की तरफ का पोन्स हो गया और ये हमारा साइड में सेरेबेलम आ गया, सेरेबेलम जिसके दो लोब होते हैं और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है ट्री लाइक होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर आर्बर विटी, ये इसी को लाइफ ट्री जिसे अपन ये कह रहे हैं ना, लाइफ ट्री, ये वाले लाइफ ट्री
होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है डॉक्टर साहब तो उस समय बाहर ग्रे मैटर होता है, अंदर व्हाइट मैटर होता है। सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट बनता है वो बनता है सेरिब्रम। सेरिब्रम सेरिब्रम के अंदर एक हॉरिजॉन्टल फिशर डेवलप होती है जिससे सेरिब्रम का पार्ट कुछ हिस्सा टूटकर सेरिबेलम की जगह आ जाता है। इसलिए अपन कहते हैं ना वो मूवी थी आपने देखा होगा कौन सी, जिसमें क्रांति भी जिसमें नाना पाटेकर कहते इधर नहीं मारने के इधर छोटा दिमाग होता है, वो इसी की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर चोट लगे तो यहाँ पे सिनेप्स होते हैं ग्रे मैटर में, न्यूक्लियाई होते हैं, वो न्यूक्लियाई यहाँ लगते ही इमीडिएट बंदे की डेथ हो जाती है। जी सर। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये जो अर्बोरविटी है ये टोटल तीन राइट में होते हैं, तीन लेफ्ट में, टोटल छह होते हैं, और यहाँ पर टोटल कम से कम 20,000 के आसपास सिनेप्स बनते हैं, इतने न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर डायरेक्ट चोट लगे, इसलिए अपन कहते हैं हेलमेट पहनो, गवर्नमेंट हमें जबरदस्ती कहती है हेलमेट पहनो, लेकिन हम पहनते नहीं, वो हमारी कॉशियसनेस है कि हमेशा आप हेलमेट पहनने से आपका सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट सेरिब्रम से ज्यादा सेरिबेलम को प्रोटेक्ट करना है। अगर यहाँ चोट लगी तो बंदा ऑन द स्पॉट डाई हो जाएगा, सेरिब्रम में लगी तो वो तड़प तड़प के मरेगा बिल्कुल, अगर उसकी डेथ होती है तो ये बहुत सेंसिटिव जगह है आपके लाइफ ट्री, इसीलिए इसका नाम था अर्बोरविटी। अर्बोर इसको ग्रीक में कह रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ। और ये सेरिबेलम होता है जो बॉडी बैलेंस से रिलेटेड है और हमारी वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है बिल्कुल, और अल्कोहल का जो इफेक्ट डेवलप होता है वो सेरिबेलम पे बिल्कुल। हाँ, ध्यान रखिए अल्कोहल की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा मिसकंसेप्ट हो जाता है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर अल्कोहल किसी ने पी लिया, बिल्कुल अल्कोहल जब आप पहले इनिशियल में पियोगे तो सब आपके सेरिब्रम प्रभावित होगा, सबसे पहले जो इफेक्टेड पार्ट है वो सेरिब्रम है और सेकंड और सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड पार्ट है वो सेरिबेलम। तभी व्यक्ति लड़खड़ा है, पहले जब कोई ड्रिंक करता है तो बहकी बहकी बातें करता है तो सेरिब्रम इफेक्ट, तो सेरिब्रम गया। उसके बाद में जब वो चलता है तो उसका जो डांसिंग लाइट मूवमेंट जिसको हम एटैक्सिक मूवमेंट कहते हैं सर, वो आपके सेरिब्रम में इफेक्ट होगा। बिल्कुल सर, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्री ऑफ लाइफ इन सेरिब्रम। जी जी बिल्कुल, परफेक्ट आंसर है। अब वापस सर मैच द फॉलोइंग आ गया। जी, मैच द फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन इन कॉलम ए और उनका फंक्शन हमें मैच कराना है। तो सर ये हमें बेसिकली यहाँ पर सेरिब्रम के जो एरियाज हैं वो दे रखे हैं। हमें पता है सर तीन टाइप के एरिया होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। तो इनकी हमें मैच दी फॉलोइंग करानी बिल्कुल। तो सर सेंसरी एरिया की बात करें तो ये इसमें हमारा क्या होगा, ये रिसीव दी सेंसरी इंपल्सेस। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब के नाम इंडिकेट करता है सेंसरी एरिया। तो अगर अपन ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाए तो डेफिनेटली मैं ऐसे ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो देखो ये फ्रंटल लोब है, ये इसके नीचे वाला टेम्पोरल है, इधर वाला लोब आपके पैराइटल है, पीछे वाला ऑक्सिपिटल लोब है, ठीक है ना। ये पैराइटल लोब जो ये सेंसरी एरिया है पूरा, जितने भी सेंस मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो सारा मैसेज किस में जा रहा है, इस एरिया में जा रहा है सेंसरी एरिया में। सेंसरी का सिर्फ ओनली रिसीवर है, सेंस करना एफरेंट जिसे अपन बोल बिल्कुल सर उसको लेता है। तो इसमें आप देखिए जो रिसीव करेगा वही सेंसरी होगा। तो सर मैं यहां सेकंड लगा देता हूं ना? जी बिल्कुल, रिसीव द सेंसरी इंपल्स थ्रू द सेंसरी नर्व्स ऑफ द बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल जी, परफेक्ट। और फिर सर एसोसिएशन एरिया, हाँ ये ऐसा एरिया है कि सेंसरी है ना मोटर है, ये एसोसिएशन का मतलब होता है दो चीज को जोड़ना, यानी ये सेंस अपने सेंसरी एरिया और मोटर एरिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ये समझो एसोसिएट करता है। इसको ना तो आप 100% ये कह सकते हैं ये सेंसरी है, लेकिन ना ही कह सकते आप ये मोटर है, लेकिन चक्कर क्या है, लेकिन ये कुछ ना कुछ बीच में इंटरफेरेंस करता है। ये क्या करता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर, जैसे अगर मैंने किसी को प्यार से बोला तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा, पर मैंने गाली बक दी तो इंटरप्रिटेट करेगा और मोटर इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा कि अब वक्त आ गया है उठा के मारने का, बस इसी बात है। ये वाला जो एरिया एसोसिएशन ये दिखता बहुत शांत है, लेकिन जब एक्शन में आता है जी तो आप मान के जी हॉरर स्टाइल में आता है, इंटरप्रिटेशन का इसका बेसिकली काम होता है। तो सर यहां मैं यानी कि ये हमारी बॉडी की बेसिकली जो प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर हमारे नॉर्मल फंक्शन को इफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा बिल्कुल। ये एसोसिएशन एरिया, जैसे मेमोरी जैसे मैं डॉक्टर साहब से मिला पहले तो मैंने कहा आप रहा डॉक्टर साहब अपन कॉलेज में मिले थे जी जी, फिर अपन यहाँ मिले, हाँ आज भी मिले, क्योंकि वो मेरी पास्ट वाली मेमोरी और करंट वाली मेमोरी मैच होगी। मैंने डॉक्टर साहब से उस समय बात की थी जब ये कॉलेज में थे, मेडिकल कॉलेज में, तब मैंने बात की और उस समय मैंने भी अभी बात की, तो मैंने कहा देखो अपनी वहां पर उस समय बात की, वो कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन ऐड करने का काम इसका है एसोसिएशन। जी साहब। और फिर सर मोटर एरियाज जो है तो ये कमांड को इफेक्टर सेंसरी का अपोजिट कर लो, और मोटर एरिया में सबसे बड़ा रोल हो गया फ्रंटल का, तो सारे फ्रंटल एरियाज मोटर कमांड करेगा। तो फिर हमारा सर सीक्वेंस आ जाता है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। सेकंड वाले ऑप्शन देख लेते सर, ये दो ही है तो ये तो कभी होंगे नहीं, तो सेकंड थर्ड और हमारा फर्स्ट।
तो सर सेकंड थर्ड और फर्स्ट हमारे थर्ड ऑप्शन में आंसर आ जाएगा हमारा। कॉलम मैचिंग तो जैसे ही अपन ने बात की थी बहुत इजी होता है, बस एक थोड़ा सा हिंट चाहिए आपको। कई बार मैक्सिमम 50-50 में तो दो तो खत्म ही हो जाते, दो टूट ही जाते। कौन बनेगा करोड़पति की 50-50 लाइफलाइन तो हमें मिलती ही है ऐसे कहीं डेफिनेटली मिलती है। चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब सर इनकरेक्ट हमें बताना है जी। न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। बिल्कुल सही बात है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, ये पोलराइज होगी तभी एक स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेगी अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगी जी। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। बिल्कुल सर, माइलिनेटेड सबके जितनी भी पेरिफेरल नर्व्स है चाहे वो स्पाइनल हो चाहे क्रेनियल हो, जो बॉडी की पेरिफेरी को सप्लाई कर रही है उन सब पे माइलिन सीथ कवरिंग होगी, वो माइलिनेटेड होगी। हाँ ब्रेन के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, वो नॉन माइलिनेटेड हो सकती है, बट अगर पेरिफेरी को सप्लाई करिए बॉडी को सप्लाई करिए तो डेफिनेटली वो माइलिनेटेड है जी सर। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक स्नैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस ए केमिकल स्नैप्स। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक स्नैप्स में तो 100% ट्रांसमिशन ज्यादा होगी, जंप कर जाएगी और सिनेप्टिक क्लेफ्ट का साइज भी छोटा होगा और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ताकि ना तो न्यूरोट्रांसमीटर कोई आएगा ना बनेगा ना आगे मैसेज को पोलराइज डीपोलराइज करना, इसमें सीधा प्रोटीन चैनल होता है, एक न्यूरॉन से आया दूसरे न्यूरॉन से गया सीधी सी बात प्लस माइनस फॉर्म में जी सर। जी सर न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल बट मसल सेल्स आर नॉट। ना ना ना, मसल भी तो एक्साइटेबल होती है, मसल सेल्स भी एक्साइटेबल, क्योंकि मसल के ऊपर जब अपन स्टिमुलस देते हैं जो नर्व आके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है तो वहां पर भी जो सार्कोलिमा है वो भी क्या होती है पोलराइज और डीपोलराइज होती है, वो भी एक्साइटेबल है, उससे कैल्शियम रिलीज होता है, वही आके जाकर मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सर, तो सर हमारा बेसिकली फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया, इसीलिए आंसर भी क्या हो गया फोर्थ हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन सिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये अपने को सिमिलरिटी पूछ रहा है जी सर, सिमिलरिटी पूछ रहा है। बोथ आर ऑलवेज प्रोटीनिशियस इन नेचर। जी नहीं, ये बात क्योंकि हार्मोन्स हम देखते हैं स्टेरॉइडल नेचर, स्टेरॉइड होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है, पेप्टाइड डेरिवेटिव होते हैं, प्लस आयोडोथायरोनिन भी होते हैं, तो गलत हो गया। बोथ कैन यूज्ड अगेन एंड अगेन। नहीं, हार्मोन को एक बार यूज कर लिया वापस यूज नहीं होगा, वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाएगा अपनी बॉडी से। एंजाइम यूज हो सकता है लेकिन हार्मोन कभी यूज नहीं होगा, मतलब एक बार अगर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया बन गया तो बस वो होता है, बस एटम बम की तरह वो है, हार्मोन इज एटम बम, एक बार ब्लास्ट हो गया वापस नहीं बनेगा सर। बोथ आर यूज्ड इन माइन्यूट अमाउंट। ना ना, हार्मोन देखो इसमें थोड़ा सा है जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, बोथ लिख रहा है इसका मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों की बात कर रहा है, हमें पता है हार्मोन जितना कम होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो हार्मोन की डेफिनेशन में दे रिलीज इन द ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट बहुत कम होगा। अब इसका बहुत जैसे अपन कॉमनली बात करें जिस चीज की अपने अंदर डेफिशिएंसी या कमी होती है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, हो जाती है। जैसे मेरे पास नो डाउट खूब सारे, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा है नहीं खूब सारे पैसे हैं और तो मैं उसकी कदर नहीं करूंगा। हाँ, और मेरे पास अगर 10 रुपए है और मुझे 100 रुपए का खर्च दिख रहा है मैं उसकी कदर करूंगा, वैसा ही है। तो सेल क्या करती है, अगर हार्मोन कम होगा तो नंबर ऑफ रिसेप्टर को बढ़ा देती है, तो उसका एक्शन रैपिड हो जाता है, अगर हार्मोन ज्यादा हुआ तो उल्टा इफेक्ट है, रिसेप्टर कम हो जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है इस चक्कर, ठीक है ना। तो बोथ आर माइन्यूट में नहीं हो सकते, हाँ एंजाइम ज्यादा निकलेगा भूख ज्यादा लगेगी जी, एंजाइम में कोई दिक्कत क्योंकि हम सर देखते हैं पैनक्रियास से जो हमारे एंजाइम आते हैं तो फूड को डाइजेशन करने के लिए, तो ये थोड़ी ज्यादा अमाउंट में निकल सकते हैं। बिल्कुल, किसी को भूख कम लग रही है तो डॉक्टर ही देता है कि आप टॉनिक पीजिए जिससे आपका एंजाइम या गैस्ट्रिक जूस या पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन या हार्मोन स्टिमुलेट। ये सर हमारी सिमिलरिटी जी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बोथ एक्ट एज ए मेटाबॉलिक रेगुलेटर। बिल्कुल, दोनों मेटाबॉलिक रेगुलेटर करते हैं, चाहे एंजाइम होगा तो भी अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है और ये भी है, तो ये तो आपको पता ही है सबसे खतरनाक बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करने वाला अपना थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का प्राइम फंक्शन ही मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल होता है, इसलिए ये तो हमारा आंसर क्या गया जी। जी बिल्कुल, सिमिलरिटी ये है जी, बिल्कुल। Select a hormone which does not perform the action by interacting with intracellular receptors, yani ki receptors present inside the cell. ये वाले इंट्रासेलुलर अंदर, हाँ, अंदर जी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो जाते हैं जी सर जी। तो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। बिल्कुल, एड्रिनल कॉर्टेक्स आप देखो स्टेरॉइडल हार्मोन आते हैं, हाँ, जैसे एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे कॉर्टेक्स आते हैं, तो इन सब के रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे, सेल के अंदर जी, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो बाहर का पूछ रहा है। FSH, FSH बिल्कुल प्रोटीन नेचर का है, तो डेफिनेटली ये बाहर से एक्ट करेगा, ये बाहर से, इसके रिसेप्टर जो होंगे वो सेल मेम्ब्रेन पे होंगे। अब याद रखने का सबसे बड़ा फंडा स्टूडेंट के लिए ये है कि एक तो आपके स्टेरॉइडल हार्मोन और एक थायरोक्सिन इनके अंदर होंगे, बाकी सबके बाहर है, बाकी सबके बाहर, आप तो इतना याद रखो बस। बिल्कुल सर।
तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा FSH, क्योंकि स्टेरॉइड बोली दिया और हाइड्रोक्साइड आ गया अपना T3 एंड T4। और सर NCERT ने एक डायग्राम भी दे रखा है जो एग्जांपल बता रखा है NCERT का, वो FSH के FSH को कंसीडर किया जो आपने दो स्टेरॉइड मैकेनिज्म की और दूसरा प्रोटीन मैकेनिज्म, दो जो हार्मोन की मैकेनिज्म देखी, वाटर सोल्युबल और वाटर इनसोल्युबल वाली, उसमें यही एग्जांपल दिया जो सर बता रहे हैं जी। सेकंड आंसर हमारा FSH। जी जी The chemical nature of hormone secreted by alpha and beta cells of pancreas. जी। यानी कि सर पैंक्रिया के दो पार्ट हो गए, एक SME पार्ट और एक isolates of Langerhans, और जहां पे जो सेल्स होते हैं हमारे अल्फा सेल्स जहां से ग्लूकागन रिलीज होता है, और ग्लूकागन करेगी रिलीज और ये करेगी आपके इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्लूकागन है इसके अंदर तो ओनली 26 एमिनो एसिड होते थे, पेप्टाइड हो गया जी, ठीक है। और दूसरा बीटा सेल ये ओपन कह रहे जो इंसुलिन निकालती है, इंसुलिन में टोटल 51 एमिनो एसिड होते हैं, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है अल्फा बीटा वाला, है ना, जो अल्फा और बीटा चेन के बीच में होता है, लेकिन एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड के अकॉर्डिंग अब आप देख लीजिए, ग्लाइकोलिपिड कॉन्जुगेटेड तो है नहीं सर, स्टेरॉइडल है नहीं, पॉलीपेप्टाइड पॉली मतलब ज्यादा, पेप्टाइड मतलब एक दो से ज्यादा, अगर पेप्टाइड बॉन्ड है तो पॉलीपेप्टाइड हम यूज करते हैं जी। इसलिए आंसर क्या चला गया सर हमारा G4। अब ऑड हमें इनमें से सर सेलेक्ट कर रहा है जी। ग्रोथ हार्मोन ये सारी हमारे पास डी तक है सर, तो ग्रोथ हार्मोन TSH, ADH एंड LH जी। तो सर फर्स्ट में जैसे आपने कहा था कि ADH जो है ये आपके पोस्टीरियर रिप्रोडक्टिव से, तो ऑड हो गया ही है ना, ये ऑड हो गया, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। फिर सर क्रिटेनिज्म, गोइटर और मेंटल रिटार्डेशन, अगर हम देखें तो ये जो दो डिजीज, ये जो डिजीजेस हैं ये कहीं ना कहीं थायरोक्सिन से रिलेटेड है, बिल्कुल, तो इसलिए इसमें तो कोई ऑड और इनका आप जो दूसरा कॉन्सेप्ट अच्छा सा बता रहे थे आप कि ये जो दूसरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किस पे अटैक करेगा, आपके सर्टोरी सेल पे अटैक करेगा, ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स पे अटैक करेगा, GHA बोन की ग्रोथ पे अटैक करेगा, यानी कि रेड बोन मैरो या बोन की जो एपिफाइसियल पार्ट होता है जो बोन को ग्रोथ कराता है, और TSH थायरोक्सिन हार्मोन पे अटैक करेगा, थायराइड ग्लैंड, सब पे अलग अलग अटैक कर रहा है, बिल्कुल इनमें तो सब में सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी। अब इसमें देखिए सर हम जोना रेटिकुलरिस, ये हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट होते हैं, बिल्कुल पार्ट होते हैं GFR, ग्लोमेरुलोसा, वेसिकुलोटा और रेटिकुलरिस, तो ये सबसे इनर लेयर हो गई हमारी। अब जोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा, ये तो ओवरी के पार्ट, ये ओवरी से रिलेटेड है, ओवरी के चार ओवर वाले पार्ट आ गए, और जोना फैसिकुलेटा वापस से हमारा स्टार्ट, कहीं ना कहीं इसमें ऑड ग्रुप ऑड है, बिल्कुल है, इसका तो कोई बिल्कुल ही लिंक नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि सर ए हमारा ऑड हो गया और डी हमारा ऑड हो गया, दो ऑड है और दो सिमिलर है, तो सर इसलिए फोर्थ ऑप्शन में हमें इसका आंसर मिल जाता है, ओडी पूछा है वो ए ओडी, ये सही बात है। अब इन दी गिवन डायग्राम ए बी सी डी, अब हमें क्या बताना है कि सर ए बी सी डी लेबलिंग हमें बेसिकली अगर हम लोग करें जी, तो ये हमसे लेबलिंग पूछी है इसने, बिल्कुल ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेबलिंग वाले, कॉलम मैचिंग वाले, कॉलम मैचिंग वाले। तो सर ए बता रहा है ये हाइपोथैलेमस, बिल्कुल पहले ऑप्शन में, और बी हो गए हमारे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गए, बिल्कुल न्यूरॉन्स न्यूक्लिया हो गए, सही कह रहा हूं, और अगर डी देखें सर अगर हम पहले लेबलिंग कर ले तो ये हमारा बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, क्योंकि देखो पोर्टल सर्कुलेशन इसमें एंटीरियर में आया था, और ये हमारा सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, अब इसके रिगार्डिंग हमें मैचिंग करानी है, तो ए हाइपोथैलेमस सही बात है, बी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स सही बात है, सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी सही है, और डी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, बिल्कुल सही बात, तो फर्स्ट में ही हमें हमारा आंसर मिल गया, तो बाकी देखने की जरूरत भी नहीं आपको, क्योंकि हम 100% से सिंगल करेक्ट है, और इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं, करेक्ट आपको याद है तो सीधा आंसर, क्योंकि सर इसमें ए को इसने हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बता दिया तो गलत हो गया, सही हो गया, और फिर इसमें बी को ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी बता रहा है तो वैसे ही गलत हो गया, और इसमें ए को एंटीरियर पिट्यूटरी बता रहा है तो ये गलत हो गया, सही हो गया हमारा, बिल्कुल फर्स्ट हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो हमारे जोना बेसिकली ग्लोमेरुला से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारा जोना, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म
इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ऐसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरल से रिलेटेड होगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप एंडोक्राइन में भी पढ़ते हो, एक्सक्रीटरी में भी पढ़ते हो, इवन सर्कुलेटरी सिस्टम का रेगुलेशन आता है उसमें भी पढ़ते हैं, बिल्कुल। ये एल्डोस्टेरोन बेसिकली डीसीटीओसिटी पर वर्क करता है, अपने नेफ्रॉन के पार्ट पर, और वहां से ये सोडियम और वाटर को वापस ले आता है, बॉडी में रिटेन करता है, रिटेन करता है बिल्कुल। और जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये इसका सीक्रेशन कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करेगा बॉडी में, ये तो हो गया काम, चलो कहीं ना कहीं अगर उनको बैलेंस करेगा तो बॉडी बिल्कुल, और वाटर का भी रिटेंशन कराता है डीसीटी और सीसी एक्ट करके, तो फ्लूइड को भी मेंटेन करेगा ये, और सोडियम का एब्जॉर्प्शन भी एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, इसकी ब्लड प्रेशर उसके कारण मेंटेन हो गई। बट इनमें सर कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर इनमें देखिए तो हम पैनक्रियास से जो हार्मोन है वो हो सकते हैं, या फिर हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को अपन कहते हैं कॉर्टिसोल में इसका मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है बहुत। तो सर हमें नॉट पूछा था तो फोर्थ ले लीजिए, बिल्कुल नेक्स्ट पे चलते हैं सर जी। व्हिच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कैटेकोलामाइन, बिल्कुल। तो कैटेकोलामाइंस की अगर हम बात करें तो बहुत सर एमरजेंसी हार्मोन आते हैं, इमरजेंसी या ट्रिपल एफ रिस्पांस इसका होता है, ट्रिपल एफ रिस्पांस पूरा का पूरा इसी का ही है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन दोनों, उनको हम कंबाइंड रूप से कैटेकोलामाइंस कहते हैं, बिल्कुल। जो एड्रिनल मेडुला पार्ट से रिलीज होते हैं, ये दो ही हार्मोन एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, इनको दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है जो आपके हार्मोन भी और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों का फंक्शन करते हैं, जो कैटेकोलामाइन के अंदर दो है जो सर बता रहे थे, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, और ये रिलीज भी एड्रेनल मेडुला से होते हैं, जो कि हमारे पिट्यूटरी के कंट्रोल में कंट्रोल में नहीं है, डायरेक्ट हाई वहाँ पिट्यूटरी बोलता डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से लिंक है, सिंपैथेटिक नर्व पैरासिंपैथेटिक सप्लाई होती नहीं इसमें, ओनली सिंपैथेटिक होती है, क्योंकि एमरजेंसी वर्क में काम करता है, एमरजेंसी में अपना काम करने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सर इंक्रीज हर्ट रेट, अब इसमें से हमें बेसिकली इमरजेंसी वाली जो हमारे साथ इमरजेंसी में होता है, बस इस बात वो देख रहे हैं, आप खड़े हो सामने सांप आ गया क्या होगा, बस वो ये काम करेगा, तो हार्ट रेट बीट बढ़ेगी सर, बिल्कुल बढ़ेगी, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पाइलो इरेक्शन, तो ये भी होगा, बिल्कुल। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन बढ़ी जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और पुपिलरी डायलेशन, ताकि ज्यादा लाइट हमारी आंखों में जाए और दिखाई दे कि सांप है या फिर कोई रस्सी का टुकड़ा है, भागना किधर है। हां, रेट ऑफ रेस्पिरेशन और स्वेटिंग, बिल्कुल सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई, जैसा अभी अपन बात कर रहे थे। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम से इसका कोई लिंक नहीं, इमरजेंसी में कौन सा सोडियम रीअब्सॉर्ब करोगे, भागना है वहां से, जी जी सर। तो हमारा नॉट पूछा था तो आंसर हो गया फोर्थ, बिल्कुल डेफिनेटली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम पार्स डायस्टेलिस, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एडिनो हाइपोफाइसिस और आगे बोले पार्स डायस्टेलिस जो बोल रहा है जी। तो अब इसमें आप पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का एक डॉक्टर साहब डायग्राम बना दो ताकि चीजें क्लियर हो जाए कि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टूडेंट को ये पता होना जरूरी है जी सर। अभी हमारा डायग्राम भी इस तरीके से आया था, तो जहां पे ये हमारा हाइपोपोर्टल सिस्टम से रिलेटेड हो गया सर पार्ट जी, ये तो हमारा एडिनो हाइपो एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, और ये बीच में हमारा इंटरमीडिएट लोब हो गया। अब आप इसमें देख लीजिएगा, ये जो इधर वाला लोब है जिसमें हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम की कनेक्टिविटी आ रही है, वो एंटीरियर लोब है, जो बीच वाला मिडल लोब, और एंटीरियर लोब और मिडल लोब को मिलाकर अपन वर्ड यूज करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और पीछे जो बन गया लास्ट वाला, ये आपके हो गया कौन सा, पोस्टीरियर लोब, इसको अपन बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, अब आप इसमें से आंसर निकाल सकते हो। ग्रोथ हार्मोन बात करें तो 100% हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, इससे 6 हार्मोन निकलते हैं, इससे 1 हार्मोन निकलता है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, बस ये आपको रट के रखना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन भी इसी में आ गया आपके एंटीरियर में जी सर, बिल्कुल। TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग, बिल्कुल ये भी एंटीरियर में आ गया आपके। बट MSH मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम मिडल पार्स इंटरमीडिया, बिल्कुल इसलिए बोल रहा है, ये बोल रहा है पार्स डिस्टलिस, डिस्टलिस तो एक ही पार्ट हुआ ना आपके इधर वाला, ये बीच वाला तो कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में पार्ट डिस्टलिस और पार्स नर्वोसा के बीच बीच में। पर इसमें सर एक स्ट्रोक पॉइंट है, इसमें कहीं ह्यूमन नहीं लिखा, क्योंकि अगर ये ह्यूमन की बात करते हैं तो फ्यूज्ड है ये, बिल्कुल ये मेम्ब्रेनस पार्ट है ह्यूमन में भाई। हाँ, ये मेम्ब्रेनस है, क्योंकि अपन पूछते हैं ना कि भाई साहब हाइपोफाइजल पोर्टल से कनेक्ट करता है, तो अपन ये भी बोलते हैं एंटीरियर मिडल को कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे एलिफेंट वगैरह व्हेल उसमें मिडल लोब होता ही नहीं है, सारा काम एंटीरियर लोब करता है, एंटीरियर लोब करता है, बिल्कुल। पर इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा आंसर फोर्थ हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि पास्ट डिस्टल इसका पूछा ओनली, फोर्थ का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is incorrect for growth hormone? Somatotropic hormone. Body की growth stimulate कराता है? बिल्कुल करता है सर. काम ही function ही. Over secretion is good for development and health. ना ना. Good for अगर कोई भी hormone हो, चाहे वो vitamins हो, किसी भी चीज का अगर excess हो. तो किसी की भी अच्छी नहीं. नहीं बस बात. अगर excess हो रहा है, इसका मतलब disease हो रही है. Growth hormone acromegaly हो जाएगा. Gigantism हो जाएगा. ऐसे disease हो जाएगी आपको पता है. तो over secretion तो किसी के लिए नहीं. किसी के लिए बेटर नहीं है. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है. गुड फॉर हेल्थ तो हो ही नहीं सकता. हाँ. और लेस सिक्रेशन से स्टंट ग्रोथ बिल्कुल अगर ग्रोथ हो जाएगी. बिल्कुल अगर नहीं होगा तो हाइट शॉर्ट रह जाएगी उसकी, जिसको अपन ड्वार्फिज्म बोलते हैं या सर्कस मिडगेट्स बोलते हैं. बिल्कुल एटेलियसिस बोलते हैं. ये हमारा हाइपोथैलेमस का हार्मोन है. बिल्कुल सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इसका, ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है, स्टिमुलेट करता है. देखो आरएच आ गया, एसटीएच आरएच, आरएच आ गया रिलीजिंग. और रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन हमेशा कहां से आएंगे? हाइपोथैलेमस. बिल्कुल. तो सर आंसर हमारा हो गया. बिल्कुल साहब, कोई हेल्प नहीं करता ऐसे. Which of the following is secreted in males by the effect of LH hormone? Okay. और males में सर हम LH को ICSH कहते हैं. Interstitial cell. जो seminiferous tubule के बीच में होती है, वो leading cell, उससे release होता है. उससे release होता है. इस तरीके से अगर ये seminiferous tubules हो गई, तो सर इनके बीच में ये जो पूरा यहाँ पर जो cells हमारी पाई जाती हैं, जिन्हें हम leading cell या interstitial cells कहते हैं, उनके ऊपर ये effect करता है. बिल्कुल. देखिए इसमें additional information ये है कि आप ध्यान रखें जो डॉक्टर साहब बता रहे, FS जो है वो तो काम करेगा Sertoli cells. बिल्कुल रट के रखें आप. और जो LH है वो डेफिनेटली काम करेगा किस पे? लेडिंग पे. और लेडिंग से अगर काम करेगा तो एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन. बिल्कुल. और एंड्रोजन एक पूरा हार्मोन है, उसका एक छोटा सा हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन. एंड्रोजन द फैमिली ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन, सेक्सुअल स्टीरॉइड, उसका एक पार्ट हो गया टेस्टोस्टेरोन. जी सर. आंसर सर हमें सेकंड में एंड्रोजन, एंड्रोजन दे रखा है. इसी वजह से इसको, क्योंकि इंटरस्टीशियल सेल को स्टिम्युलेट करता है, इसलिए मेल्स में से ICSH ICSH बोलते हैं. जी जी. नेक्स्ट पे चलते हैं सर. जी. ट्रिपल एफ ग्लैंड. अब बहुत ही आसान सा ट्रिपल एफ ग्लैंड, जो फाइट, फ्लाइट और फियर और फाइट के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल. ये बेसिकली ये फियर लिख दीजिए आप यहाँ. बिल्कुल ठीक है. फियर तो ये ट्रिपल एफ के लिए है. तो सर हमें पता है कि इसमें जो इन्वॉल्व है हार्मोन एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, कैटेकोलामाइन हार्मोन, जो हमारे अगर आप सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड देखें तो ये बाहर का पार्ट हो गया कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट हो गया मेडुला. जैसा मैंने कहा भी था, तो ये मेडुला से रिलीज होती है. तो हमें एड्रेनल मेडुला हमें देखना है. फोर्थ ऑप्शन पे हमें एड्रेनल मेडुला. और एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा कि जो मेडुला पार्ट है, इसकी डॉक्टर साहब ने पहले वाला क्वेश्चन में बताया था, इसकी सिमिलरिटी ब्रेन से है. यानी ब्रेन का डेवलपमेंट एक्टोड्रम्स होता है, इसका भी डेवलपमेंट एक्टोड्रम्स होगा. ध्यान रखिएगा, ये सिमिलरिटी है इसमें. जी. हार्मोन व्हिच हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस. बिल्कुल. कहीं ना कहीं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन हो गया. तो सर इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करने वाला जो उसका काम प्रोजेस्टेरोन का है, प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, जिसे हम टेंपरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं. जी जी बिल्कुल, टेंपरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड. तो कॉर्पस बिल्कुल सही कह रहा है. एस्ट्रोजन तो सर होगा, एस्ट्रोजन तो प्रोलिफरेशन में काम आता है. ग्लैंड का डेवलपमेंट करना हो एंडोमेट्रियम में या वो अपने जो थीका इंटरना होती है उससे रिलीज होकर आता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम से भी रिलीज होता है. बिल्कुल. तो इसमें इसका इम्प्लांटेशन में इसका कोई रोल नहीं है एस्ट्रोजन का. बिल्कुल. प्रोजेस्टेरोन सीधा प्रोजेस्टेरोन. ऑक्सीटोसिन देखिए तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, रिलैक्सिंग पार्चुरेशन से रिलेटेड है, बट प्रोजेस्टेरोन इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. मेंटेन, प्रोजेस्टेरोन का मतलब ही है मेंटेन करना एंडोमेट्रियम. अगर ये मान लो कि प्रेग्नेंट फीमेल है और सडन ये इसके शट डाउन हो जाए, इसका सीक्रेशन कम हो जाए, तो एबॉर्शन हो जाता है. एबॉर्शन क्योंकि इस इम्प्लांटेशन के अंदर जो प्लेसेंटा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, उसको बनाने वाला यही है आपके प्रोजेस्टेरोन. तो सर एमटीपी जो हम करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और उसमें कुछ जो मेडिसिन देते हैं, दीज आर बेसिकली प्रोजेस्टेरोन, एंटी प्रोजेस्टेरोन, एंटी प्रोजेस्टेरोन रख देते हैं. मिफेप्रिस्ट वगैरह हो गई. बिल्कुल. मैच द फॉलोइंग एंटागोनिस्टिक मैनर. एंटागोनिस्टिक मींस अपोजिट फंक्शन जो करे. वापस सर मैच द फॉलोइंग आ गया. जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज. बिल्कुल. तो ये इनहिबिशन किस नाम से? देखो काम नाम इसके फुल फॉर्म करते हैं, आंसर आ जाता है. जी सर. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी यानी गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करने वाला. तो इसमें देख लीजिए आप, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिम्युलेट करता है गैस्ट्रिक जूस के इसको. और तो एंटागोनिस्टिक फंक्शन हो गया. तो इधर मैं लिख सकता हूं सर सी. बिल्कुल. इंसुलिन का अपोजिट काम करेगा ग्लूकागॉन. इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है, ग्लूकोज ग्लूकागॉन बढ़ा रहा है. तो डी. पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन. बिल्कुल. ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को इंक्रीज करेगा, कैल्सिटोनिन डिक्रीज करेगा, अपोजिट एंटागोनिस्टिक एक्शन है दोनों. बी. बिल्कुल. सोमेटोस्टेटिन, ये भी लिखा हुआ है टीसीटी, थायरो कैल्सिटोनिन नाम से. और सोमेटोस्टेटिन देखें हम लोग
तो ये ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ हार्मोन। सी डी बी ए, तो इन दोनों में तो डी से स्टार्ट हो रही है कहानी, सी डी बी ए, ये दीजिए साहब, इधर सी ए आ गया, ये गलत हो गया। सेकंड आंसर, सेकंड आंसर हमारा सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स मोर और लेस पार्टिसिपेट इन इरिथ्रोपोएसिस। तो बेसिकली सर ये बोल रहा है कि जो हमारे आरबीसी प्रोडक्शन है उसमें कौन सी ग्लैंड्स के हार्मोन वर्क करते हैं। जी जी, तो पहला बोल रहा है सर ये जेजीएसएल, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड थायराइड। तो सर ये बिल्कुल हमारा सही बैठ जाता है, जेजीएसएल इरिथ्रोपोएटिन आता है जेजीसेल से, तो ये वो आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, तो ये बात पहला सही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल, कोर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। और थायराइड जो है ये भी हमारा बिल्कुल आरबीसी प्रोडक्शन को और अटैक है, इसका भी एक्शन है, एक्शन है जी। और सर किडनी, एड्रिनल और थायमस से रिलेटेड होगा, इससे कोई रिलेटेड नहीं होगा, ये उड़ जाएगा। हां, पीनियल थायराइड और थायमस से कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई लिंक नहीं, इसका भी कोई लिंक नहीं, इनका तो वैसे ही नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। एंडिंग की तरफ बढ़ चुके हैं सर हम लोग। अब हार्मोन दे रखा है, सोर्स दे रखा है और टारगेट ग्लैंड्स दे रखे हैं, इनकी हमें बेसिकली मैचिंग करानी है। तो इंसुलिन देखें सर, पैनक्रिया, हाँ इंसुलिन पैनक्रिया से आता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इंसुलिन पैनक्रिया से आएगा, ठीक है। और सर अफेक्ट देखिए, तो इंसुलिन का मेनली अफेक्ट जो होगा हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट दो ही सेल पे होता है, ग्लूकोज का जो है वहां से ब्रेक डाउन करने का काम इसी का ही होता है, एडीक्यू हो जाएगा सर, है ना पहले एडीक्यू। ऑक्सीटोसिन तो है जो हमारा जो आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस से, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, हाँ न्यूरो बिल्कुल, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस और सब काम स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वर्क करता है, तो आप लिख सकते हैं ए और इधर आ गया आपके आर। सोमेटोस्टैटिन जैसा भी आपने बताया भी था, इनहिबिशन फंक्शन है, हाइपोथैलेमस से होगा बिल्कुल, और हाइपोथैलेमस और फिर यहाँ पर जो इसका फर्क आएगा वो बेसिकली किस पे आएगा सर, पाइलोरिक पार्ट में वहां से आता है, ये हो गया सर। फर्स्ट डी क्यू, फर्स्ट डी क्यू, फर्स्ट डी क्यू दोनों में सभी में फर्स्ट बराबर। सेकंड ए आर, सेकंड ए आर, ये दोनों तो गलत हो गए सर, हाँ जी बिल्कुल, इधर ए आर है उधर ए आर, अब थर्ड भी मिला हो भाई, थर्ड में सर थर्ड बी, थर्ड बी एस, बी एस यहाँ बीपी, ये उड़ गया, तो फर्स्ट आंसर हो गया। और फोर्थ सीपी, फोर्थ सीपी, फोर्थ सीपी ये बिल्कुल करेगी, तो सर हमारा सही आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्मोन, मतलब एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है उसके रिगार्डिंग, उसके जी जी। सीक्रेटेड इन लार्ज क्वांटिटी, गलत बिल्कुल गलत बात है, अभी अपन ने पहले डिस्कस किया ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट। Always proteinaceous in nature? नहीं, protein क्यों, steroid भी हो सकता है, glycoprotein भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Always secreted from pituitary gland? No, no, different type of body gland है, तो body gland पे different से hormone release होंगे, क्योंकि pituitary सारा load दे लेगी, बाकी gland की जरूरत ही नहीं। और ये सर सही हो रहा है, क्योंकि act as a primary messenger। बिल्कुल साहब, hormone primary messenger है, calcium secondary messenger है, inner cyclic AMP, cyclic GMP और अपने inositol triphosphate IP3 हमारी तरह से जितना हम लोग कर सकते थे सभी तरीके की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, ये हमारा प्राइमरी एम रहता है, उन इन्फॉर्मेशन से बाहर आपके कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाए। हमने सर एनसीआरटी की भी बात की थी पुराने में, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखे थे, और आज हमने मिक्स्ड अप्रोच में थोड़ा एनसीआरटी से आसपास जो बाहर बिल्कुल सराउंडिंग नॉलेज होनी मस्ट है, मस्ट है, तो ये हमने कवर किया सर। अब नेक्स्ट में हम मिलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उसमें तो धन्यवाद उसके लिए, ओके थैंक यू, वेलकम।